बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम लिटिल लर्नर्स, आई एम नबीला बशीर एंड आई वेलकम यू टू गोहर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश नर्सरी का पेज नंबर 42 से 44 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर। सो व्हाट कम्स आफ्टर लेटर एल, इट्स लेटर M. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। सो दिस इज पेज नंबर 42 एंड द लेटर नेम इज M. M एंड द साउंड इज आपने लिप्स को इनसाइड बाइट करना है ऐसे। इट्स इसको आपने मा नहीं कहना, इट्स नॉट मा, इट्स ओके। सो दिस इज कैपिटल लेटर, दिस इज स्मॉल लेटर, दिस इज लेटर नेम एंड दिस इज लेटर साउंड। और अब हमने ये देखना है कि से क्या कुछ बनता है। अब चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि बुक में क्या कुछ है हमारे पास। सबसे पहले देखें, व्हाट इज इट, इट्स मून, मून, एंड मून कम्स इन द नाइट। वी कैन ओनली सी मून एट नाइट। क्या आपको कभी डे में मून नजर आया है? बिल्कुल नहीं। और डे में हम क्या देखते हैं? वी सी सन, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा होती है इसलिए आपको डे में मून नजर नहीं आता और इसलिए हम मून को सिर्फ देख सकते हैं नाइट टाइम में। और ये है मून, मून। और उसके बाद देखें आपको क्या नजर आ रहा है, इट्स अ माउस, माउस। और माउस कहाँ आते हैं? जहाँ पे नॉर्मली आपने कोई फूड आइटम रखी होती है या आइटम्स को स्टोर किया होता है और वहाँ पे माउस आके उन चीज़ों को खा लेते हैं। तो क्या अगर आप माउस घर में देखें आपको अच्छा लगता है? क्योंकि इनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में माउस ना आए। और माउस को कौन कैच करता है? कैट। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कैट रख लेते हैं ताकि हमारे घर में माउस ना आए। सो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस माउस, इज ब्राउन, माउस ब्राउन। और उसके बाद ये क्या है, अगेन वी हैव अ फ्रूट एंड द कलर इज अगेन येलो, सो इट्स मेलन, मेलन। एंड मेलन इज ऑल्सो अ समर फ्रूट और मेलन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इट लुक्स लाइक वाटरमेलन, लेकिन वाटरमेलन तो काफ़ी बड़ा होता है, वाटरमेलन से थोड़ा सा छोटा होता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये भी बहुत हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। जी तो हमें फिर सारे फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, लेकिन ज़रा सोच के बताएं कि हम फ्रूट्स कहाँ से खरीदते हैं? वी गो टू द मार्केट, मार्केट। और फिर हम इन चीज़ों को कैसे परचेज करते हैं? वी यूज मनी, मनी, मार्केट। और आपको पता है कि हम बीमारियों से बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपने फेस पे? वी यूज मास्क, मास्क, मास्क। देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई। और अगर हम मास्क का यूज़ करेंगे तो हमें मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मास्क, मेडिसिन। तो ये देखिए हमने के कितने सारे वर्ड सोच लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने भी से बनने वाले कुछ मजीद वर्ड सोचने हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम करेंगे लेटर एम की फॉर्मेशन को डिस्कस। नाउ आई एम होल्डिंग द कार्ड ऑफ लेटर एम, सो दिस इज कैपिटल एम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड देन स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन एंड देन अगेन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन लाइंस को यहाँ पे टच करना है। एंड दिस इज स्मॉल एम, द साउंड ऑफ लेटर एम। तो इसमें हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, गो अप, मेक अ कर्व लाइन, गो डाउन, गो अप एंड कर्व लाइन, एंड इट हैज थ्री लेग्स, सो दिस इज स्मॉल एम। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस लेटर एम इन द सेंटर, सो वी आर गोइंग टू मेक स्टैंडिंग लाइन, slanting line, another slanting line and standing line. For we are going to make standing line and curved lines. So this is M.
ट्रेस एंड राइट. अब हम क्या करने वाले हैं, लेटर एम की ट्रेसिंग करेंगे और कुछ इंडिपेंडेंट राइटिंग भी करेंगे. तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये लेटर स्काई लेटर है, ग्रास लेटर है या फिर रूट लेटर है. तो कैपिटल लेटर तो हमेशा थ्री लाइन्स में लिखा जाता है, वो हमें ऑलरेडी पता है. अब ये देखें कि हमने स्मॉल एम को कितनी लाइन्स में लिखा है. हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड लाइन को, यानी सेंटर टू लाइन्स में लिखा हुआ है. दैट मीन्स एम इज़ अ ग्रास लेटर, एम इज़ अ ग्रास लेटर. अब आपने इस बात को याद रखना है. अब हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, एम की ट्रेसिंग कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने एरो को फॉलो करना है और स्ट्रेट लाइन बनानी है. गो बैक, मेक अ स्लांटिंग लाइन और आपने थर्ड लाइन को टच करना है और यहाँ से आप इसको ऊपर वापस लेके जाएंगे और ये बन गया हमारा एम. यहाँ से इसको नीचे लेके आएंगे और टच करेंगे. अब हम स्मॉल एम बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, गो बैक, कर्व्ड लाइन, गो बैक, अनदर कर्व्ड लाइन. सो दिस इज लेटर एम. एक और एम को जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं. हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन और स्लांटिंग लाइन, गो अप एंड देन गो डाउन. दिस इज कैपिटल एम एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक स्मॉल एम एंड वी आर गोइंग टू मेक टू डिफरेंट कर्व लाइन्स. सो दिस इज स्मॉल एम. अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वापस जाएंगे, स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, उसको वापस लेके जाएंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. ये बन गया कैपिटल एम, स्ट्रेट लाइन, गो बैक, मेक अ कर्व लाइन, अनदर कर्व लाइन. सो दिस इज स्मॉल एम. एक बार फिर से लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन एंड स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, अनदर कर्व्ड लाइन. सो दिस इज स्मॉल एम. नाउ वी हैव सम टीचिंग गाइडलाइंस. तो टीचर्स बच्चों को लेटर एम का करेक्ट नेम, करेक्ट साउंड बताएं और बिगनिंग वर्ड्स बताएं और इसके कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बताएं और उनको एक्सप्लेन भी करें और उसके साथ साथ लेटर एम की करेक्ट फॉर्मेशन बताएं और बच्चों को कहें कि वो लेटर एम की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करें, जैसे कि फिंगर को यूज़ करते हुए एयर में ट्रेस करें, टेबल के ऊपर ट्रेस करें, डेस्क के ऊपर या किसी भी हार्ड सर्फेस के ऊपर. इसके अलावा बच्चों की हेल्प करें कि वो लेटर एम को बुक के ऊपर ट्रेस करें और इंडिपेंडेंटली राइट करें. So this is page number 43 and now we are going to do some activities. The first one is say the name of the picture and tick the beginning letter. So what is it in the picture? This is a mouse. Mouse. Iska ye matlab hai ki we are going to tick all the M's. To humare paas kuch capital M's hai aur kuch small M's hai. To humne sare M's ko टिक कर देना है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्टिविटी. अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये तो बहुत ईजी थी. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलर द पिक्चर दैट बिगिंस विद एम. हमारे पास टू डिफरेंट पिक्चर्स हैं. द फर्स्ट वन इज मेलन एंड द नेक्स्ट वन इज लैम्प. अब आप मुझे बताएं कि हम किसको कलर करने वाले हैं. हम कलर करने वाले हैं मेलन को. दैट्स राइट. And what is the color of the melon? It's yellow. तो मैंने क्या किया है, मैंने एक yellow color लिया है और इस तरीके से आपने melon में color करते जाना है और आपने इनकी boundaries का ख्याल रखना है और color को boundary line से बाहर नहीं निकालना और strokes को आपने लगाना है एक side पे, white spaces को आपने fill करते जाना है और बहुत nicely आपने coloring को done करना है. अब हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस हैं. अपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें. सो दिस इज पेज नंबर 44 एंड वी हैव अ पोम हियर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड द नेम ऑफ द पोम इज हॉप अ लिटल. हॉप अ लिटल. सो आर यू एक्साइटेड टू सिंग द पोम? लिसन टू द पोम.
सो आई विल सिंग द फॉर्म एंड यू विल सिंग अलोंग, यानी आप मेरे साथ साथ मिलकर सिंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Hop a little, jump a little, hop a little, jump a little. One, two, three, one, two, three. Skip a little, run a little, skip a little, run a little. Tap one knee, tap one knee. Bend a little, stretch a little, bend a little, stretch a little. Nod your head, nod your head. Yawn a little, sleep a little, yawn a little, sleep a little. In your bed, in your bed. Yay! I hope कि आपको इस फॉर्म का मजा आया होगा. अब आपने क्या करना है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, या आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये पोइम बहुत अच्छी लगी है. एंड नाउ वी हैव टीचिंग गाइडलाइंस. तो आपने क्या करना है, आपने इस पोइम को रिसाइट करना है जैसे मैंने किया है, ताकि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स आपको गौर से सुन सकें और इस फॉर्म को लर्न कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर एम. तो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, आपने लेटर एम को रिवाइज करना है, आपने इसकी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, ट्रेसिंग करनी है और इंडिपेंडेंट भी राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है. उसके बाद आप एक्टिविटीज को भी कंप्लीट करेंगे, कलरिंग करेंगे. इस फॉर्म को आपने लर्न करना है. आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.